सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड डिवाइस में आपके फ़ोन लैंग्वेज और आपके डिवाइस में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है दोस्तों, उसकी लैंग्वेज को कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप की और या फिर एक्स्ट्रा कोई हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन सेटिंग्स को ओपन करना है। इस तरीके से फ़ोन सेटिंग्स में दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम, उसमें जाइए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ डिवाइसेस में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको फॉलो कीजिए। सिस्टम में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज एंड इनपुट, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद लैंग्वेजेस को ओपन कीजिए इस तरीके से, और यहाँ से दोस्तों आपको जो लैंग्वेज ऐड करना है, ऐड ए लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए। जो भी लैंग्वेज आपको ऐड करना है यहाँ से इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको सर्च करने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पे सर्च करके आपकी लैंग्वेज को दोस्तों ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी ऐड किया हूँ दोस्तों हिंदी भारत, तो भी मैं जो है दोस्तों मेरे डिवाइस के लिए और मेरे डिवाइस में जो भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है दोस्तों, वो ऐप्स के लिए भी मैं हिंदी लैंग्वेज जो है दोस्तों सेट करना चाह रहा हूँ। हमने लैंग्वेज तो ऐड की है दोस्तों, लैंग्वेज ऐड करने के बाद दोस्तों अब ये लैंग्वेज जो है सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो जस्ट आप अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज को होल्ड कीजिए इस तरीके से, और ऊपर के साइड इसको जो है दोस्तों ड्रॉप कीजिए। अभी आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों प्राइमरी हो गई है। आप जैसे वो प्राइमरी हो गई है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ऑप्शन है दोस्तों वो इंग्लिश में आते हैं, अभी वो हिंदी में आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए। और फ़ोन की लैंग्वेज के अलावा दोस्तों आपके जो भी ऐप्स आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, जैसे कि ट्विटर, अभी मैं आपको ओपन करके बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, अभी ट्विटर ऐप जो है ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ट्विटर के ऐप की जो सेटिंग्स रहती है, ऑप्शंस रहते हैं, वो सारे जो है दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में शो हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम कोई दूसरा व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप भी ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप की जो सेटिंग्स थे, उसके जो ऑप्शन है दोस्तों, सारे हिंदी लैंग्वेज में शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम कोई YouTube अभी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, YouTube के भी जो भी लैंग्वेजेस है दोस्तों चेंज हो गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके डिवाइस में जो भी ऐप इंस्टॉल्ड है, वो सारे ऐप्स के लैंग्वेज भी चेंज हो जाएंगे और आपकी फ़ोन लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके एंड्रॉयड डिवाइस में आपके ऐप्स और आपके डिवाइस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज को आप सेट कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको फिर से इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, जो लैंग्वेज आपको नहीं आती है वो लैंग्वेज आपने सेट किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप उसको फिर से आपके इंग्लिश लैंग्वेज में लाना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, आपने इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकेंडरी सेट किया था, अभी आप उसको प्राइमरी करना है, जस्ट होल्ड करना है और ऊपर के साइड इसको ड्रॉप करना है, फिर से आपकी जो फ़ोन लैंग्वेज है दोस्तों चेंज हो जाएगी और ऐप लैंग्वेज भी। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी और सिंपल है मेथड फ़ोन लैंग्वेज और ऐप लैंग्वेज को आपकी डिवाइस में चेंज करने के लिए। आई थिंक ये जो मेथड है दोस्तों सिर्फ एंड्रॉयड ओरियो या फिर एंड्रॉयड पाई डिवाइसेस या फिर एंड्रॉयड क्यू, ये डिवाइसेस में दोस्तों ये ऑप्शन, ये फीचर अवेलेबल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।